मिनाल आप ही हैं, आप ही, मैं कह रहा हूँ आपको कैप्टन बनाना है, अब हमने टेंशन ना ले। आपने जो करना था वो दिखा तो दिया, आपने मुझे वोट दिया कि मैं, यार अल्लाह पाक के कुत्ते हैं बड़े हरामी, इन्होंने सबने कहा था और चला, इन्होंने सबने बिग बॉस ने बताया, बिग बॉस ने खुद बताया, बिग बॉस बड़े बैच होते हैं, वो फटक रहने वाली फुफू है, मैं बता रहा हूँ आपको। आप बिग बॉस के बारे में ऐसे नहीं कह सकते, तो सारे मिल गए और आराम करो। चलो अगला अगला टास्क के लिए वेट करते हैं, क्या सीन है अगले टास्क के लिए वेट करते हैं ये चीज। लेकिन एक चीज सब लोगों को नजर आ गई है कि ये शख्स जो है कितना बड़ा मैनिपुलेटर है। आप लोग ये सारे ध्यान में करें, जे अगर मेरे साथ ये कर सकते हैं तो आपके सब भी। अच्छा तुम भूपो ना बनो, कर सकती हैं, कर सकती हैं, ठीक है, हमें भी तुम्हारी नेचर का पता है। भूपो कोई नहीं बन रही, क्या नेचर का पता है मेरी, क्या नेचर का पता है, ठीक है किंगे, सही है बेटा, दिखा गया औकात, मतलब के मतलब कि मैं अकेला हूँ, चलो मैं ठीक है अकेला हूँ, दो टीमें चुन लें, कोई मसला नहीं, 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 मैंने आपसे बात करनी है, ना छोड़ दो, दो टीमें जल्दी से, हाँ जी बात करो, आप करो, आप मुझे बताओ कि हाँ बताओ बताओ, हाँ बेटा अभी अभी हमें उनके ऑपोजिट जाना पड़ेगा क्योंकि उन्हें पता है मैं डबल क्रॉस किया, ठीक है, आप कुछ काम क्यों, अभी हमें ग्रुप बनाना पड़ेगा, अभी हमें ग्रुप बनाना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है, आपका नाम क्या है, मेरा नाम पांडा, पांडा क्या माधव जी, क्या नाम है, पांडा, पांडा, पांडा जी, जी पांडा मर गया पांडे में, आज हो चले, आज आज उन्होंने अपनी टीम बना दी, यानी ज्यादा है ना, 11 बंदे हैं ना हम टोटल, टीम अप, अब टीम अप करोगे आप लोग, हैं टीम अप हो रही है, ओके, टीम अप क्या, टीम बनानी है तो टीमें दो, उन्होंने कहा दो टीमें, दो टीमें बना लो, पांच पांच की दो टीमें बनेंगी, हेलो यहां पे हो, ठीक है, मतलब मुझे आप लोग अच्छी मत, मुझे मतलब कि मुझे तुम लोग अपनी टीम में नहीं ले रहे, नहीं ठीक है, ठीक है ब्रो, इट्स ओके, इट्स ओके, कोई मसला आज ही में, आज ही में आ जा मेरी जान, देख लेते हैं मेरी जान, टेंशन ना लो, चीमे चीमे देख रहा है, सियासत देख रहा है, मैं देख रहा हूँ, ये ऐसे ही करते हैं, सियासत देख रहा ना, तेरी इधर है, नहीं नहीं नहीं, हो गया हो गया, आप जाओ हो गया ना बेटा, जाओ अब आप जाओ, जाओ चलो हो गया, ओ यार आप जाओ भाई, आप जाओ चलो जाओ, प्यो ना बनो, आप जाओ, हो गई टीम, मैं कुछ हो गया भाई, हो गया ना, ओ भाई जा भाई, केंजो देख ले फिर, उधर गया ना पॉटरी, इधर आ जा, ये बात, ये बात केंजो, बाद में तुझे मैं नहीं बचाना है केंजो ना, ये बात जी बॉस, ये बात, क्वालिटी मैटर करती है क्वालिटी, ओए केंजो, केंजो इधर आ, ओए केंजो हमारे साथ रह, आई लाइक, आई लाइक, आई लाइक पॉटरी पीपल, इधर आओ मेरे साथ, आओ कम इन, लेवल मैं तो नशोई हूं, हाउ अबाउट मी, चर्सियों की रैली होनी है फिलहाल, पॉटरी ऑन टॉप, अच्छा मिनाल बात सुनो, अरे माधर मिनाल नहीं, ओ फक ब्रो, मिनाल सर पे चढ़ गया, आपने दुपट्टा पहना हुआ है ना, मुझे मिनाल लग रही, वैसे पहनती तो नहीं, अच्छा ब्रो प्लीज यार, जो भी टास्क मिलता है उसको प्रॉपर तरीके से, लॉयल तरीके से करना है, ठीक है ना, वो हरामी है, देखो आपने, एक बात बताऊं तुम लोगों को, एक बात बताऊं, तुम लोग देख रहे हो हमारे साथ, अगर वो लॉयल नहीं है ना तो वो आपस में होंगे, एक बात मुझे बताओ, सही बात है, वो मतलब ही है सारे ब्रो, वो मतलब ही है, वो छोड़ो, बिग बॉस ये गंदी उंगलियां दिखा रहे हैं हमें, कितनी उंगलियां हैं दिखा सकते हैं, अच्छा हम भी दिखाएंगे, माधर हम भी दिखाएंगे, आ जाओ हम भी दिखाएंगे, बिग बॉस आपने भी मना किया फिर दिखा रहे हैं, आपने ही मना किया फिर दिखा रहे हैं, उसने कहा दिखा सकते हैं बेटा, दिखा सकते हैं, दिखा सकते हैं, दिखा सकते हैं, कहा उन्होंने, फिजिकल नहीं हो सकते, उंगली आपकी भी है जिंदुआ साहब, आप गाने में लें या दिखाएं, मैं दिखा लेता हूं, ये चीज मिनाल मैम टीकिंग, देखिए आप लोग बेहतर ये कि आप लोग अभी हार मार के सरेंडर कर दे, वरना तो फिर आप लोगों के साथ हम बहुत ज्यादती करेंगे जीतने के बाद, काट दिए जाओगे रे दोस्तों को वर्गला रही है, मेरे यारों को मुझे छीन रही है, हरामी यार पागल तो नहीं, मेरे यार मुझसे छीन लिया तुमने, हराम खोर, लड़े बिग बॉस ने बोला नो फिजिकल ओनली अब्यूज, मेरा मतलब सिर्फ वर्बल, बिग बॉस मुझे
जे ने हराम खोर बोला है, गाली दी है भाई, बिग बॉस ने बोला है हाथ नहीं लगाना, ओनली अब्यूज। बिग बॉस मुझे जे ने हराम खोर, बिग बॉस है, बिग बॉस है, डैडी नहीं है आप, हराम खोर नहीं, हराम खोर नहीं, गाली दे सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, बिग बॉस हराम खोर नहीं, हराम खोर नहीं, अरे वैसे बड़े माँ का दुपट्टा लेके ये फजूल बातें बोल रहे हैं। देखो हम मुंह से जो मर्जी बोल सकते हैं, जो हमारे साथ है वो आबाद है, छोड़ के कैबेज बैगर जब्बार। ओए 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 सारे इधर आ जाओ, मुझे बिग बॉक्स ने टास्क दिया वो। ओए बिग बॉस, बिग बॉक्स नहीं, बिग बॉक्स मादरचोद कहता है, बिग बॉक्स कहता है, बिग बॉक्स मादरचोद, बिग बॉक्स का लगता है, बिग बॉक्स आ जाओ सारे अंदर, आ जाओ सारे अंदर। अच्छा ये है कि जितनी भी टीमें हैं हम सारी दो ही हैं, हम दोनों में एक क्या कहते हैं म्यूजिकल चेयर का कॉम्पिटिशन होगा, जो टीम एंड का जो बंदा अंदर रह गया वो जीत जाएगा और दूसरी टीम में से एक बंदा एलिमिनेट होगा। क्या क्या दोबारा बोल, क्या दोबारा बोलें किंग, दोबारा बोलें क्या? दोनों टीमों का म्यूजिकल चेयर का वो होगा, ठीक है, कंपटीशन, जो टीम बीच अंदर रहेगी मतलब एक चेयर पे बैठा रहेगा आखिरी बंदा इस टीम का, वो टीम जीत जाएगी और दूसरी टीम में से बंदा एक एलिमिनेट होगा। ओके डन, समझ आ गई। आज और म्यूजिकल चेयर लगा दीजिए। जी मैं लगा रहा हूँ, आज जी धांधली नहीं होनी चाहिए यार, किंग देख ले यार, कम ऑन ब्रो, धांधली इसमें हो ही नहीं सकती, तुझे भी पता है इसमें धांधली हो ही नहीं सकती। तुम्हें तो मैं देखता हूं, मेरे यारों को तुमने छीन लिया मुझसे। यार मैंने क्या कहा किंग, तुम जे के टीम चले जाओ, वो रो ही जा रही है। क्यों चला जाऊं मैं, अभी तक तो ये वो छोटा बच्चा है, वो पैंच और टाइट पिटियां देख के वर्गला गया मैं, गंदे गंदे कपड़े जान के पहन के आई हो, टाइट कपड़े जान के, टाइट कपड़े पहन के आई है गाइस, ये है ना जान के, सही है क्या करती है, मेरा भी खड़ा हो रहा लेकिन मैं बिका नहीं, देख लो कितने बंदे हम, कितने बंदे, 11 बंदे खड़ा, मेरा भी होता है, हम बिकते नहीं, 9-2-11 हाँ नहीं मैं नहीं सुनूंगा आपकी बात, सॉरी दोगला बाज मादर छोड़, जो मैं पता तो करके आऊँ ना, मैं शेयर करता हूँ आप लोगों से, मैं पता मैं बताता हूँ, रुको रुको बात, हाँ बोलो जे साहब, जो बात मैं आके बताने लगा हूँ वो आपके बहुत ज्यादा फायदे की। अच्छा बाप ये बता दो, बहुत ज्यादा गौर सुनना है पहले आपने मेरी बात, ठीक है, इधर ध्यान है आपका पूरा, करो बख्शोदी साहब, हाँ करो बख्शोदी करो, हाँ जी साहब, मैं आपको फुल सीरियस यहाँ पे बात बताना ये चाह रहा हूँ कि यहाँ से आपने कूदना नहीं है, जो पानी के अंदर मछलियाँ बहुत खूनखवार हैं, वो इंसान को कच्चा खा जाती होती हैं। अच्छा ठीक है, हो गया जी साहब, सीरियसली मैं आपको चीज़ जान जाऊँ, देखिए अगर आप मिनाल एम के खिलाफ जाना चाह रहे हैं तो आप डायरेक्टली मेरे मुंह पे तो बताओ, मैं उस लड़की के खिलाफ ब्रो इसलिए जाना चाह रहा हूँ, वो मेरे यारों को मुझसे छीन रही है, तो ये एक चीज पे रहो ना, फिर अचानक से क्या क्योंकि बोल देते हो कि नहीं नहीं बचाना है, मिंट करें भाई, मुझे टास्क मिला है बिग बॉस ने कहा इनको इकट्ठा करके उधर लाओ, अभी अभी भी कॉल दे दो, इनपर थंब पे ना, आ जा ब्रो मैं छोड़, चलो भाई आ जाओ, स्टार्ट थोड़ा थोड़ा पीछे हो, ये वाली चेयर्स नहीं चल रही, कैसे स्टार्ट कैसे होगी, नहीं चल रही, उस तरफ चेयर किंग इधर आ गया, इधर और आ चीमा साहब, चीमा साहब हेलो, वो ना लगाइयो, मुन्नी बदनाम, ओ चीमा साहब जी जी बोले, आ रहे हैं ना, चैनल आ रहे हैं, चीमा साहब की कुर्सियां ठीक नहीं है, मैं कह रहा हूं आपको, वो कच्ची कुर्सियां थी, वो प्लास्टिक की है ना, मैं लोहे की लगा रहा हूं, 12 बंदे मेरा बेचारा, मेरे पास बंदूक नहीं है, कसम खुदा की कोई बंदूक होती ना, मैं सामने स्नाइपर, सामने जो घर है ना यहाँ पे, उन घर की रूफ टॉप्स के ऊपर जो ना बंदा खड़ा करके ना स्नाइपर्स मार देते इसके सर पे, लड़की की कसम से, आज कितने लोग हैं, सारी है ना, पूरी है, हमारी टीम में जीतना है, हम ही जीतेंगे, टेंशन ना लो, आज चलो जी लाइगर बेचो, हो जा लाइगर, चलो जी चलो जी, टाइमिंग करनी पड़ती,
चुप है, जो पहले बैठा वो भी एलिमिनेट है, मैं बताऊंगा। गाना रुकेगा तो रुकना है, ये एलिमिनेट है, ये लिमिटेड, ये बाहर एक एलिमिनेट हो गया जी, आप एलिमिनेट हो गए। चलो बेटा चूतिया, चलो खुदी का ज्वाइन करो जी, कुत्ती का बच्चा, बहन चोद, वो सारे ये वही है ना जो सीधा आया वो तलाब वो पढ़ के आया था, वही वही। हाँ बैठो खत्म, बस बस जी बैठ जा। चलो जी मां चुदा आई, अरे कुत्ती का बच्चा निकल गया हराम खोर, पॉटरी नशेड़ी छपड़ी कहीं के साले, फक ब्रो, हमारा बंदा बाहर निकल गया मां। केंजो 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 बाहर केंजो, जियो ये बाहर, लेट्स गो बिना, लेट्स गो जी, मैं आखिरी तक जाने चाहिए मैं। तो ये किंग क्या सीन है, कब तक करना है, कब तक होगा ये, है जब एलिमिनेट होंगे, एक टीम जब एलिमिनेट हो जाएगी, दो बाहर आ गए क्या, ये तो अपने ही दो यार, हमारे बंदे जा रहे हैं अभी तक। बैठ जा लोड़ा ले यार, पीछे ना लगो मेरे बैंड के, लोड़ा पीछे आओ कुत्ती के बच्चे, ब्रो पीछे आओ, फक ऑफ, मजा आ रहा है, लौड़े मजा आ रहा है, अरे नहीं बस 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 अब नहीं पागल हो गया कर दिया, चलो मेरे लौड़े, ये पता नहीं कहां से भागता हुआ है, पीछे चल चले जी, सब खड़े हो जाइए, दो आउट है हमारा, एक आउट है, यस यस यस, हम नहीं करना जैसा, अब कितने रह गए हमारी टीम के, कितने रह गए, दो ही रह गए, तीन तीन, हम पांच रहते हैं, हमने करना जैसा बस, ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो, खड़े हो गए, टीम में जीतना है, बस बस चाल ले लोड़े, बस बस ये चल लेवल लेवल, चलो मेरे लौड़े यार, चलो कोई ना, बहुत गुड गुड, मैं तू लाइगर रह गया, चल सीन है, चल सीन है, जैसा आ जाए, इनके कौन से रह गए फिर, ये ज्यादा है क्या, नहीं नहीं विजय भी हमारे साथ है, विजय भी हमारे साथ है, विजय हां चल अब बचना गाइस, ये डार्लिंग तेरे लिए, ये बैठ जा, चल जा चलो गाइस, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक,
तीन तीन रह गए, बंदा निकल गया यार। नहीं यार क्रिकेट यार टाइम पे दबाया था यार। ये होता है दगाबाजों का हाल। सीटर विजय चढ़ गया, मुझे सांस चढ़ गया। लाइव सी देखते हैं कौन विन करता है। जे भाई बैठे थे सबसे पहले। क्या बात है, क्या बात है। देखो जे उंगली ना दिखा। सॉरी यार सॉरी, जल्दी है मुझे। भाई देख देख के गाइस, देख के फोकस 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 गाइस, छोड़ो चुप 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 फोकस। इजी पीजी है, इजी पीजी है। जंजुआ बैठ जा, जंजुआ जंजुआ बैठ जा, जंजुआ बैठ, चुप कर रहे हो। तो बस ये बैठ गया, लाइगर बैठ के चेक करो। चीमा साहब बैठ जी, बैठो बैठो बैठो। ओ लाइगर हाय, निकलो निकलो शाबाश। लाइगर बाहर आ जी। चीमे ले जा खुदा की कसम। हेलो चीमे जान, मैं तुझे पैसे दूंगा। लिख तेरे लिए विजय आराम से चल। चिमे जीतना जा आज जो रेडी रहो, रेडी रहो यार। कसम से वो विजय मेरे मंदिर टकराता ना मैंने पहले दना बांटता, बाद में निकल भी जाता दुख नहीं था। जीतो जियो मेरी जान। अब जो जीतेगा वही टीम जीतेगी। चीमे जीतना है, चीमे 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 जीतेगा, चीमे जीतेगा। जे बाद और अगला कैप्टन जे की टीम से होगा इंशाल्लाह। आपस में डिसाइड करना है कि कौन कैप्टन बनेगा। आपके पास 10 मिनट है। मेरी नाक फिर भी ज्यादा गीली है। आज टीम लेट्स गो लेट्स गो जी 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 लेट्स गो लेट्स गो। अपने साथ इधर आ जा, आ जा, आ जा, आ जा। टीम अप टीम अप टीम अप बेटा, आप उधर जाओ। टीम अप टीम अंदर आओ। मुझे सांस चढ़ गया। वू जी जी टीम, क्या हैवी गेम हुई है। हैवी गेम चीमे, ओए मेरी टीम है, हम लाल लोगों की टीम। इधर आओ चीमा, चीमा इधर आए, चीमे इधर आ। टीम अप करो, वापस आ जाओ इधर आओ। हमारे बंदे इधर आओ, सारे इधर आओ। टीम अप हो जाओ, इधर आओ, इधर आओ सारे, आओ सारे। सबसे पहले चीमा, हमारी टीम यही है। चीमा एंड टीम, वेल डन यार, वेल डन बॉयज, कीप इट अप। छा गए हो, मैं कहता हूँ छा गए हो। मेरी तरफ से कुछ गलती हुई है, मेरी तरफ से गलती हुई है, उसके लिए सॉरी। लेकिन चीमा तूने किया एंड प्ले कर छोड़ा, गांड ही फट गई। लेवल के सबसे लेवल हो गया मेरी लिटर। मेरा हार्ट, मेरा दिमाग इतना तेज धड़क रहा, दिल इतना तेज धड़क रहा है, तुम लोग सोच नहीं सकते।
बहुत आला बहुत आला बहुत आला। देखो हमें हमें ये कैप्टन किसको बनाना है, हमें बात सुन बात सुन बात सुन, देखो हमें यही टीम अप चाहिए, हमें यही टीम स्पिरिट चाहिए, ठीक है। मैं तुमको खाली मोटिवेट ही कर सकता हूँ, अटेम्प्ट हम सब ने करनी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारी टीम यहाँ पे जीते, सही है। कल को क्या होता है हमें नहीं पता, कौन इस हाउस में रहता है मुझे नहीं पता, लेकिन इस वक्त जो चल रहा है उसमें हम अपना 110% देंगे, देंगे ना करेंगे ना देंगे। ये बात देंगे, देंगे। ये बात थोड़ा शोर जोश दिखाओ यार, कम ऑन बताओ देंगे ना देंगे देंगे देंगे, देंगे, देंगे। ये बात देखो वो जो होते हैं ना, जो चोर होते हैं ना, वो मुंह के बल ऐसे ही गिरते हैं, आज हम सब ने देख लिया है। बहुत आला कमाल कमाल कमाल, ओपी ओपी हो गया। अच्छा जी, अब आप लोगों ने डिसाइड करना है आपने लीडर किसको बनाना है। मुझे देखो मैं एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूं, मुझे नहीं भी बनाओगे मुझे कोई टेंशन नहीं है, मेरे साथ आप लॉयल रहो ठीक रहो, मेरे लिए यही मैटर करता है। हम सारे लॉयल हैं, आप भी लॉयल हैं। ये आप थोड़ा ऊंचा बोले, ऊंचा बोल, थोड़ा सा ऊंचा बोलना, आपकी आवाज कम आ रही है। मेरी जान मैं लॉयल हूँ, इसलिए तो मोटिवेशन ही आप पूरा बैंक ज्ञान छोड़ दिया मैंने, कमाल हो। आप कर सकते हैं सही, आप हमें ऐसा लीड करा सकते हैं तो आप ही ये सब आप कर ले। नहीं नहीं आप लोग आपस में हमारे तरफ से लीडर आप, मैं वो घूमा हूँ ना, मैं घूमा हूँ, मैं आजकल रोजों में भी मुठ्ठें लग रही हैं मेरी इफ्तारी के बाद, तो मैं थक गया हूँ गोल गोल घूम के। आप लोग नए को काफी अच्छे बच्चे हो, तो आप आपस में लीडर सेलेक्ट कर लो, इट्स ओके। खैर मेरे छोड़ दो। अच्छा मुझे ये बताओ, जो लीडर बनता है वो वैसे ही सेफ रहता है ऑटोमेटिकली? सेफ रहता है। देखो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखो मैं जैसा भी ठीक है, तो मैं आई थिंक आई डिजर्व लीडर, बाकी आप लोगों ने जो डिसाइड करना है आप कर लो, मैं सीनियर भी हूँ, एक्सपीरियंस भी काफी सालों का है, आप जैसे बाकी चाहते हैं तो आप देख लें, कोई मसला नहीं, मैं जानता हूँ जैसा आपके दिल में जो चल रहा है, आप जो चाह रहे हैं ना जी, आप ही लीडर हैं। लेकिन मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, अगर मैं लीडर हूँ मैं आप सबको बचा के चलूंगा, मैं उनकी तरह नहीं हूँ। यहाँ दोस्त देख किंग मेरा यार था, लड़की ने खींच लिया, जंजुआ मेरा यार था, लड़की ने खींच लिया, सारे मेरे यार लड़की के पीछे, सारे फुदी के बुझा रही है, किसके बुझा रही है। लेकिन जे साहब अभी एक और काम भी रहता है, हमने उनका एक बंदा एलिमिनेट करना है। एक बंदा एलिमिनेट कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि जीतने वाली टीम में एक बंदे को एलिमिनेट कर सकती है। किसको निकालना है ये मैं तो कहता हूँ, सुनो नहीं बात सुनो, देखो उनका सबसे स्ट्रांग पावर इस वक्त कौन है? अख्तर लावानी सबसे स्ट्रांग पावर इस वक्त उनकी टीम का कौन है, आपको क्या लगता है? किंग है। देखो वो अभी भी उसकी आवाजें आ रही हैं, वो सारा डिसाइड कर रहा है किंग को निकाल। ठीक है ओके ओके, चलो भाई यही होता है, सही होता है, बहुत बातें करती थी तो ये तो वो देख लो। आज हमारी आज जे की आपने जीता है, अगला हम जीत, आज जे की टीम में होती, आज जे की टीम में होती तो खुशियों से लुटियां डाल रही होती, लेकिन वेरी डिप्रेस, वेरी डिप्रेस, वेरी डिप्रेस ब्रो, दिस इज कॉल्ड टीम, इसको कहते हैं टीम, कंधा कुंदा नहीं होता, टीम कहते हैं। हाँ ये आपके ना आपके जेन में ये कीड़ा घुसा हुआ है, मैं यार ये म्यूजिकल चेयर, नहीं नहीं गाइस, नहीं नहीं गाइस, नहीं नहीं मानो, वेल प्लेड, अगलो ने सही खेला है, तो ये कतरित की अच्छी जो बैठो ठीक है, अब तो अच्छी खेला ना, लख दी थू, हम तो मान रहे हैं ब्रो, हम तो मान रहे हैं आप सही खेल रहे हो। हां ऐसे मुंह के बल गिरी हो तुम, बिल्कुल ऐसे गिरी हो, पता बिग बॉस आप भी वैसे गिरे हैं। जी 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 आप लोगों को पता है कैप्टनसी एक बहुत बड़ा पेशा है, जिसमें आप लोगों को पूरे घर का सरो सामान अपने सर पे उठाना पड़ता है, और कैप्टन को बहुत सारी ऐसी चीजें मिलती हैं जो आप लोगों को नहीं मिलती, लेकिन उस कैप्टनसी के टास्क को इतनी आसानी से नहीं जीता जा सकता। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने, विनिंग टीम ने अपनी सहमति से किस इंसान को कैप्टन चुना? मिस्टर जे को। थैंक यू सो मच गाइस, ये आप मिस्टर जे साहब आपका ये बयान शूट क्या क्या बयान, क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला कि ये वो टास्क है जिसको इतनी आसानी से नहीं जीता जा सकता। मैं तो सेफ हूं, तो मिस्टर जे प्लीज आप अगले घर के कैप्टन कब बनेंगे जब मुखालिफ टीम से एक इंसान आपको कैप्टन मानेगा? तो आपको मुखालिफ टीम को कन्वेंस करना है सिर्फ एक आदमी को, अगर एक आदमी कन्वेंस हो गया यू विल बी द कैप्टन। मैंने बात करनी है ना आप सबसे, इधर हमने बात नहीं करनी, ये क्या बता दे,
यहाँ पे किंग को बना सकते हो आप। बैंड के लोड़े कैसे बनाऊं जूती है बताओ ना, ट्रिक्स बताओ मुझे। आपका दोस्त है ना? उनको 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 धमकी दो कि अगर तुम मेरे साथ नहीं दोगे तो हम तुम्हें निकाल सकते। यार जब धमकियां नहीं चलेंगी, इधर दिमाग से चलना, दिमाग इस्तेमाल। जी मेरे पास एक आईडिया है, हम ये खेल सकते हैं कि हम उनका एक बंदा अपनी तरफ ले आए। बैंड के लोड़े वही तो करना, बैंड शो और कैसे करना। शेरा लाइगर को ला सकते हैं, लाइगर लाइगर हम ना उसको ना कोई ला ले। अगर लाइगर को थोड़ी सिंपैथी। गाइस किसको कन्विंस करूं, यहां पे वोटिंग स्टार्ट करो, फुल स्पैम कर दो, नाम स्पैम कर दो और सारे फॉलो का बटन दबा दो। फातिमा फॉलोवर चैट ऑन कर दो जल्दी से, फॉलोवर ओनली ऑन करो। इनका जो मेन पॉइंट है ना वो है किंग। आपके तो उसके साथ वैसे ही बड़े गहरे रिश्ते रह चुके, अगर हम उसको इमोशनली करें बच्चा तो भी है, इमोशनल हो जाता है वो। इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे उसको। वो एक मेन बंदा अगर हम उसको ऊपर तरफ कर लेंगे तो पूरी टीम ही हमारी तरफ है उनकी। वो मेन पिता है उस टीम का है ना, उसकी सर्जरी करता हूँ मैं। टेंशन लिजर कौन है, लिजर बंदा कौन है? लिजर लाइगर, लाइगर किधर है? उसकी टीम का भाई है। लेकिन फायदा नहीं है ना, किंग ने उन सबको जोड़ के रखा है, तो अगर हम किंग को ही कर लेंगे तो फिर सारी टीम अपनी टीम कैसे तोड़ेगा? एग्जैक्टली जैसा लाइगर आपके पुराने रिश्ते हैं, तो अगर आपके पास मैटर इस वक्त तो फिर बिग बॉस के हाउस में ही चीजें मैटर नहीं करती। देखो सही बात है, लाइगर मुझे लग रहा है आ जाएगा, मतलब ये कि उसको कन्विंस करना बहुत मुश्किल है। अब नहीं, हाँ अब नहीं, बाकी तो सारे पीडी वाले वो आएंगे नहीं यार। इसलिए कहती है, सुनो, इसलिए कहती है मुखालिफ के हर बंदे के साथ फड्डा नहीं करना। दीवारों के भी कान होते हैं। ठीक कर लो, किसे आ रही है जंजुआ साहब? मैं मजाक नहीं कर रहा, खुदा की कसम, अभी यहाँ पे आप ही का जिक्र हो रहा था, कह रहे थे कि जे साहब आपके साथ जंजुआ काफी टाइम से है और लॉयल भी है, शायद वो सुन ले। अभी आपकी तारीफ हो ही रही थी, आप यहाँ पे आगे क्यों जी? ऐसे ही है ना, ऐसे ही है, मुश्किल वक्त में मदद करता है हमारी। बिल्कुल ऐसी जो बात है सर, वो तो आपकी बस यही है, जरा नवाजी है सर। आप दो मिनट साइड बस ये याद रख लीजिएगा, अगर आप अभी अपनी बात पे पूरा उतर, कसम से मुझे लगा था टापे लगे। अगर आप बस कर दो पांडे, पांडा साहब बस करते हैं, बात कर दो। अगर आप आज जो है पूरा उतरते ना अपनी बात पे, मैं अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पे जबान देने को तैयार हूँ कि हम आपकी मदद करेंगे। करेंगे ना? बिल्कुल करेंगे, ठीक है, करेंगे। जब टीम ने कह दिया हाँ तो जे उन्हीं की सुनता, बस खत्म। ठीक है जे सब, आप मेरे साथ साइड पे हैं, मैं आपको बताता हूँ बात सुनने में। पूरी मेरी टीम आएगी, देखो मैं टीम के साथ चलता हूँ, कान लगा के रखो। हाँ इधर आ जाए सर, इधर सेफ के पास आ जाए, टीवी के पास आ जाए जी, अब बात करें। देखें जे साहब सिंपल सी बात है कि मैं इस तरीके से गद्दारी करूंगा तो मैं उनकी नजर में गंदा हो जाऊंगा। मैं अपनी टीम को एक बात पे मना सकता हूं कि आप अगर वहां पर जाके ये जुबान दें बिग बॉस के सामने कि मैं कैप्टन बनने के बाद ये जो पांच बंदे हैं इनमें देखो आपको एक बात सुने सुने सुने, अभी बिग बॉस की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बिग बॉस का काम है टास्क देना और अपने तरीके से इस घर को चलाना। वो इस तरह हम उसको नहीं कह सकते, वो एंड रिजल्ट के ऊपर डिसीजंस देता है, वो हमें बताता है कि करना अगला टास्क क्या करना है। आप अपने तक रखें मेरी बात ना। नहीं आप स्टिल जाके नहीं, मैं अपनी टीम को सोचे सब, ऐसे मैं टीम को थोड़ी ना दूरा थोड़ा। अभी आपकी और मेरी कमिटमेंट हो रही है, आपने अपनी टीम को मनाना है, मुझे रखते हो और मैं अपनी टीम को बना दूंगा आपको। मैं अपनी टीम को अच्छी तरीके से मना सकता हूं जे साहब, कि आप आके ये बात बोलें कि भाई मैं इन पांचों में से किसी को भी नहीं निकालूंगा कैप्टन बनने के बाद, ये जुबान आप दें, आपके वोट है सारे। किन को नहीं निकालूंगा? ये जो पांच बंदे मेरी टीम में है, किंग, मैं, मिनाल, निहाल और विजय। मेरी जान अभी तो हमें पता ही नहीं फिजिकल टास्क है या क्या है, हमें तो पता ही नहीं है, तो मैं पहले कमिटमेंट कैसे लेके बैठ जाऊं? आप पहले कमिटमेंट कर दें बस, सही हो गया, वो आपको पता हो ना पता हो।
ऐसे नहीं होता ना सर, ऐसे थोड़ी होता, पहले कमिटमेंट करके बैठ जाए। हाँ बस करो कमिटमेंट करो, वरना तो फिर हमारी कमिटमेंट भी भूल जाओ, भूल जाओ कैप्टनसी का आप, मजबूरी है जी साहब, इतना तो करो ना, आपको थोड़ा कुछ ले तो थोड़ा मिलेगा ना आपको। मैं मुझे दो मिनट दें, मैं अपनी टीम से डिस्कस करता हूँ इस मामले। डिस्कस करें, करें। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जुबान के पक्के रहना आपने, ठीक है, ओके बाय। मैं पक्का हूँ जुबान। ओके जी, ओके ओके ओके। सुन लिया ना, मुझे बताओ इसकी बात का इतबार करना चाहिए कि नहीं, वन बाय वन करके बताओ, वन बाय वन के बाद सुनने। पहले भी वो बंदा मिनाल की नजरों में लाइक उसके पीछे ना, ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो चरसी मवाली, ऊंचा बोल। देखिये जंजुआ जो है ना पहले भी लाइक गद्दारी करके भाग चुका है, तो हम दोबारा उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। ये बात पहले भी ना वो आपको लड़की के पीछे कटा के चला गया, लेकिन पहले की बात पहले की थी ना। अभी वो ये कह रही है मेरे को कि अगर मैं ये कह दूं जाके कि पांच के उनको एलिमिनेट नहीं करूंगा तो मेरे को वो लीडर चुन लेंगे ना। चले मेरे को बताओ, अगर आप लीडर बन जाएंगे तो हम क्या करेंगे? अरे बेंच हो तो समझ नहीं रहे ना मेरे बात। हाँ सही है, वैसे भरोसा करना चाहिए। तेरी एनक में भी लिखा हुआ है सूजा बॉय, सूजे हुए बॉय। देखो देखिए देखिए हम ये कर सकते हैं, आप उसको बोले हाँ चलो मैं किसी को करूंगा नहीं, बाद में हम एलिमिनेट कर देंगे। जैसे उसने आपके साथ गद्दारी करी हम भी कर सकते हैं। कहने में क्या है, तुम बात तो ठीक कह रही हो, कहने में कहने में क्या, हम तो हैं तो झूठे ही ना। लेकिन अगर वो कहेगा कि माँ कसम उठा लो, मैं तुम्हारी माँ की कसम उठाऊंगा। सॉरी ब्रो, मैंने भी पाकिस्तान जाना, मैंने अपनी माँ को जिंदा पाना। सॉरी आंटी को, बाय बाय। चलो ठीक है ठीक है, वो कसम खाएगा तो मैं किसकी कसम उठाऊं बताओ मुझे। तुमने बोलने भाई हाँ पे हाँ मिलाना है, लेकिन हम पीछे वही। एक सेकेंड कसम मेरे मरीजों की। अरे वो देखो अपनी तरफ से ना, यहाँ पे घूम के गया, वहाँ से भी जा सकता था कि ताकि बातें सुन ले। एफिशिएंट बनता है, बहुत एफिशिएंट बनता है। ठीक है आपने कसम खानी अपनी दादी माँ की, वो तो मर चुकी है, वो तो बेंच उनको भी पता है। तो वड़ी है फिर से खा ले कसम। ये स्कूल के टीचरों वाली बात नहीं हो रही कि मेरी दादी मर गई थी वो मान लेगी, ऐसे नहीं है। हाँ हाँ क्या करें बताओ ना। बस ये आप वो देखो जरूरी नहीं है वो कसम के लगाएगा, बस तुमने बोला हम किसी को एलिमिनेट ही करेंगे, बाद में हम किम को उड़ा देंगे, खत्म। ये लालच देते हैं क्योंकि लालच फिंगर्स क्रॉस कैसे होती है। ओ चुपियो से जी जी साहब क्या डिसाइड हुआ? डन जी डिसाइड करें, टाइम बिग बॉस ने बुला लिया है। मतलब अच्छा ठीक है जंजुआ साहब, सही है, ओके है, मैं टीम से अपनी बात कर ली है। आने दे फिर बोल दे। मैंने नहीं नहीं सुन लो ना, मैंने जंजुआ साहब आपको पता हमारी क्या बात हुई है ना। ठीक है मेरी टीम से मेरी बात हो गई है, वो राजी है इस बात पे। ठीक है आप जाके बिग बॉस के सामने कमिटमेंट करें। ठीक है और वो क्या थी जरा बोलिएगा, रिपीट कीजिएगा। आपकी भी टीम को बता दिया अगर अपनी नहीं नहीं आपकी भी टीम को पता होना चाहिए ना हमारी आपस में क्या बात हुई है, बताएं ना हमारी यहाँ पे क्या बात हुई है, बताएं खुल के। बिल्कुल मैंने टीम इनको ये बात की थी जो डिसाइडेड थी कि भाई हमारी टीम में से अभी जाके जुबान देंगे ऊपर बिग बॉस को कि मैं इन पांच बंदों में से ऊपर जाके बिग बॉस को ये बात जाके कहेंगे कि भाई मैं इन पांच बंदों में से किसी को भी एलिमिनेट नहीं करूंगा हमारे सामने, नहीं करूंगा। पांच बंदों में से छह बंदे हम, अरे हम पांच हैं, हम छह कहां हैं? लेकिन जब एक बात याद रहे, जब बिग बॉस के कहोगे हम वोट दे देंगे, लेकिन एक बात याद रखना ये आपको पता चाहिए, बिग बॉस के पास जब एक आंसर चला जाता है वो एक तरह का लॉक लग जाता है। फिर जो इन्होंने कमिटमेंट हमारे साथ किया वो पूरी करें पहले। मेरे लिए कोई मैटर नहीं, exactly. ये टास्क सिर्फ आप लोगों को दिया गया है कि आप लोग राजी हैं जी। एक सेकंड बिग बॉस,
जी जे साहब आप पहले कमिटमेंट करें, नहीं तो हमारे में वो आपसे पूछ रहे हैं मेरी जान। देखिए पहले बहुत ब्रो, हम आपसे कह रहे हैं, पहले आपने हाँ करना है, पहले आपसे पूछा आप करो। ना ना जजुआ साहब, जजुआ साहब आ, जजुआ तुम आए थे मेरे पास ये लेके, बात तुमने बात करी। हां मैं सारी टीम है, सारी टीम है, नो बोल दूंगा। हां पहले करो पूरी, ये तो अभी पोस्ट करनी है ना, ये तो हमारे में, पहले बोलो आप। हां जी जी हुई है, जानते ना हो सके। मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं, क्या आप लोग बिग बॉस सिर्फ एक मिनट चाहिए? जी बोलिए, जैसा बोले हाँ हाँ हो गई है, बात हुई है मेरी। हाँ जी बात हुई है, पूरी बात करो, बात हुई है वो बताओ। मेरी ये बात हुई है, तो क्या ना कर रहे हैं, क्या बात हुई है यार जरा बताना। ये मुझे लीडर चुन रहे हैं, ये मुझे लीडर चुन रहे हैं, लेकिन जितने भी प्लेयर्स हैं हमारी कमिटमेंट है वो उनको नहीं फर्क पड़ता। आपने उनको अभी जो बोलना है वो ये है कि आप हमारी टीम में बोल जाओगे, उसके बाद हम हाँ करेंगे। चलो हाँ, मैं इनकी टीम में से किसी को एलिमिनेट नहीं करूंगा। देखिए ये मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, ये आप लोगों का पर्सनल मैटर है। मेरे सिर्फ एक चीज का जवाब दीजिए, इस टास्क में क्या आप लोग एलिमिनेशन मैं डिसाइड करूंगा, टास्क मैं डिसाइड करूंगा, ये एज अ कैप्टन आपसे कमिटमेंट करते हैं, ये आपकी पर्सनल है, ये टास्क नहीं है। ओके, और मैं इसको एज अ वर्ड नहीं लूंगा। आप सिर्फ मुझे ये जवाब दीजिए, क्या इनको आप कैप्टन एक्सेप्ट करते हैं? No. एक इंसान जवाब दे दे। No. ठीक है मिस्टर जे, प्लीज यू आर नो मोर इन द रेस ऑफ कैप्टन। आप कैप्टन की रेस से बाहर होते हैं। अब आप चारों में से कोई एक आदमी कैप्टनसी के लिए आगे आएगा Sadriacs. और मुझे बताएगा कि आपने किसको चुना है। चीमे आप लोग देख रहे हो मेरे साथ धगाबाजी बाद में भी होनी थी, किंग ने करनी थी, अभी ही कर दी उसने। नोट कर रहे हो आप लोग? आप लोग नोट कर रहे हो एक बात? जी 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 बिग बॉस, नोट कर रहे हो मेरी बात? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, उसने बाद में भी यही करनी थी यकी, लेकिन उसने अभी कर दी। समझ रहे हो बात को? कहना चाहिए, मैं पूछ सकता हूँ? देख बेटा छोटा बल्ले, जंजुआ भी खड़ा हो रहा है, वो हो ही नहीं सकता भाई, वो आप हारे हुए टीम से कैसे खड़े हो? अच्छा हारे हुए टीम नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, बिग बॉस बताएंगे भाई। जीते हुए टीम का आदमी आ गया। ओके ओके बैठ जा, बैठ जा, मेरे सेफ होने के चांसेस खत्म हो गए गाइस। अब अपना उसने चेहरा दिखा दिया असली। हाँ देखो जिसने क्या टीम में से उसकी अपनी टीम मुत्तफिक है कैप्टनसी से, सब जवाब बिल्कुल जी बिल्कुल जी जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। क्या सामने वाली टीम को इस कैप्टन से कोई प्रॉब्लम है? नहीं, वो पता किसको कैप्टन अब बनाएंगे जो वीक होगा। सर हमारे ख्याल में तो सर उनमें से कोई भी, ये है सियासत। हाँ वो उस पे करेगा जो वीक होगा बैंड का। क्या बात है, लीडर कौन बनेगा? ये तो बात है, आपसे पूछा गया क्या आप मुत्तफिक हैं? अनफेयर, डिजर्विंग कौन है ये मैं डिसाइड करूंगा। जाने दे, वन बाय वन पूछ रहे हो फिर। सब आप बताएं, दिजवा साहब, किंग साहब आपसे पूछ रहे हैं। आया सॉरी सर, मेरे लिए ओके है जी। Fuck yeah. निहाल आप बताएं? मेरे लिए भी ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं है जी। जिंजू साहब आप बताएं? ठीक है सर, ओके कर ले। मिनाल आप बताएं? जी ठीक है, बना देने कैप्टन। घर के अगले कैप्टन मिस्टर चीमा साहब। तालियां जाओ अपने भाई के लिए, तालियां जाओ ना, छूटी हो क्या कर रहे हो? तालियां मोटिवेट करो यार उसको। कांग्रेट्स क्या चीमा साहब, क्या है तुम क्यों फ्री हो रहे हो, तुम क्यों फ्री हो रहे हो? कांग्रेट्स, जियो जियो चीमे, लव यू मेरी जान, लव यू। शुक्रिया, नहीं इधर नहीं आ चीमे, इधर नहीं आ, इधर नहीं आए, नहीं आ इधर, बैठ जा और जा मम्मा, और जा मरे इधर आ चीमे, इधर आ यार साइड पे आ, इधर आ, और ना बहन चांद रहेगा चीमे, तेरा नाम रहेगा। टट्टे उठाने का, टट्टे उठाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है रे, इधर आओ, कैजुअल है, इधर आओ, चीमे को बुलाओ, मादर चोद, इधर चीमे देख, हमारी वजह से तू क्या, चीमे इधर आ, चीमे इधर आ, इधर आ, छोड़ पैंच, टीम टीम होती है, इधर आ, छोड़ दे भाई उनको, इधर आ, इधर बुला, बात तो सुनो ना, चीमे को साइड पे करो, इधर आओ, बात करनी है चीमे, यार जरा आप थोड़ा साइड पे होना, उनकी बातों में नहीं आना बड़वे, उनकी बातों में नहीं आना, नहीं आ रहे, नहीं आ रहे, एक बात करनी है, चीमे साइड पे जाओगे थोड़ा सा पीछे की साइड, नहीं ये तो ट्रस्ट इश्यूज हो जाएंगे ना ब्रो। नहीं नहीं, अबे एक बात करनी है ना यार, चुप करो,
हाँ बोलो जाओ जीप पे साइड पे ले क्यों साइड पे जाए बैंड सुन मैं उसके साथ हूँ चूतियां भी जाए साइड पे बैंड के लोड़े ये सब आपसे एक बात ब्रो नहीं करनी मैं चीमे को नहीं छोड़ सकता पागल हो ट्रस्ट इशू करवा रहा है बैंड छोड़ मैंने बोला फक ऑफ मैंने बोला नहीं बोला ना मैंने खुशी क्यों हो रही थी ये इस बात का जवाब दो कोई अंदर हेरा फेरी तो नहीं है माँ का माँ की छूत के अंदर कोई जहर तो नहीं हमने हमने बगैर पूछताछ के इसको बना तो दिया बाद में पता चले हमारा ही काट के चले जाए नहीं नहीं चीमे पे हमें भरोसा है चीमे पे देखो चीमा चीमा बेशक शहर को ठीक नहीं रखता चीमे बिल्कुल शहर को बेशक ठीक नहीं रखता लेकिन चीमा दिल का अच्छा सरफराज कभी धोखा नहीं देगा एक सेकंड मुझे जरा टाइम दीजिएगा मैं जरा थोड़ा सा जरा नहीं किधर थोड़ा सा इधर आओ ना हमारे साथ रहो ना ये क्या होता है बस इधर आओ ना ये क्या फ्रेश एयर नहीं नहीं लोड़े की फ्रेश एयर हमारे साथ रहो ना हमने भी कौन से फ्रेश हां हम आपके साथ हैं भाई टीम इज टीम ब्रो हमने तुम पे भरोसा किया तोड़ोगे जैसे वो गिरे तुम भी गिर जाओगे बात तो करें एक बंदा चीमा तुम्हें कह रहा तेरी बाजी का कबूतर बात तो सुनो ना कैप्टन मैं कहना चाहूंगा कि हम सब यूनाइट होते हैं अगर बातचीत करें तो हमारी किसी के साथ लड़ाई नहीं है वेरी गुड टीम में हमारी भी लड़ाई नहीं है आजा सेट आप बात कर रहे हैं इधर आ टीम वाली बात देखो बात सब सुनो किसी ने तुमने इनके साथ यूनाइटेड होना है मैं जा रहा हूं आप लोग सारे यूनाइटेड हो ओके बाय आप जाओ आप बॉयज चीमा अकेला है चीमा अकेला रहे बेटा तू ठीक है भोसड़ी हमने सिलेक्ट किया बहन के लोड़े तुझे हमें ये सब दे रहा है माधुरचोद मैंने बोला था कोई ना कोई तो मसला है मैंने बोला था कोई ना कोई तो मसला है देखा दो सेकंड ब्रो सबका चीमे तेरे पे बेटा तेरे पे भरोसा रखा है तेरे पे भरोसा किया है आप सब लिविंग रूम में एकत्रित हो जाए अच्छा इकट्ठे नहीं हो जाए आप लोगों को पता है इकट्ठे नहीं न्यू कैप्टन बनता है तो उसका न्यू टास्क होता है और कैप्टन के कुछ पर्क्स होते हैं मैं कैप्टन से पूछना चाहता हूं कि वो अगली एलिमिनेशन के लिए किस एक नाम को सेव करना चाहते हैं और किस एक नाम को डायरेक्ट एलिमिनेशन में डालना चाहते हैं जी कैप्टन साहब यार ये ना करना कानों में बजती ये मत करना जी बताइए किसको सेव करना चाहते हैं आप सारे जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं ठीक है उन सबको मैं कहना चाहूंगा कि जैसे कि आप लोग जितने भी फड्डे कर चुके हैं जो कुछ भी कर चुके हैं तो अब हम सबको यूनाइट होकर चलना चाहिए तो यहाँ पे जो मेन जो कड़ी है ना जी बिग बॉस में उसमें मिनाल मैम को कहना चाहूंगा कि वो सेफ रहे ठीक है पुजारी बहन का लौड़ा कश्ती माँ का बच्चा हेलो आवाज नहीं आ रही बोलिए ना हेलो कैप्टन साहब जी मैं एलिमिनेशन के लिए माजरत लेकिन फिर भी मैं पोर्ट्री साहब को कहना चाहूंगा ठीक है आपसे 10 मिनट बाद आपको टास्क दिया जाएगा अब कोई भी टीम्स नहीं है आप लोग अपना ख्याल रखिए मैं आता हूँ लन का मेरा मादर चोद उसको बचा के हमारा बंदा निकाल लिया किसी बहन के पकौड़े लौड़े के बाद लौड़े 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 और जा यार चीमे निकाल जा यार मेरे मुंह में और जा यार पहले मियां कह दिया आपको सिस्टर का पीनस कह दिया आपको जैसा आप नेक्स्ट टाइम अपने अल्फाज ध्यान से इस्तेमाल कीजिएगा यार ये नहीं अब देखा जे भाई देखिए हर चीज में बेहतरी देखी जाती है और भाई मैंने मैंने बात नहीं करनी
इतना भाई साहब मैंने मैंने बात नहीं करनी मैंने बात नहीं करनी मैं ना सुन रहा हूँ इसकी बात इसको पीछे कर दो मैं नहीं सुन रहा पैन मैं नहीं सुन रहा आपने जो टीम बनाई है आपको माधर चौधरी जी मजाक लगाया यार किसी ने भी कैप्टन से बदतमीजी की कैप्टन उसको पनिश कर सकता है सॉरी यार ये सब ये नेक्स्ट टाइम जरा ध्यान से गाली दी गई है आपको देखो जे मैं तो जा रहा लेकिन मैं बता देता हूं तुम लोग हार गए हो दो दर्जन के लो हमने गलत बंदे को कैप्टन बना दिया कैन आई हैव अल्लाह किंग चलो यार आज यार आज अभी अभी नहीं जा सकते इधर खड़े रहो अभी अभी तक नहीं निकाला उन्होंने जी जी अभी साथ ही हो तुम हमारे और छोड़ो यार इधर आओ जे साहब आए तो सही ना मेरे साथ खेलों का ये रूप सुहाना लगता है एक सेकंड मेरे साथ आए दो जूस पीने को मांगता है ये लोग जलते रहेंगे ये सब ने धोखा दिया क्या किया जाए इनके साथ अपनी पनिशमेंट अनाउंस करना चाहता हूँ जी ओनी साहब ओ सॉरी पंजाब साहब क्या करना चाहते हैं पनिशमेंट आप मैं एक पनिशमेंट अनाउंस करना चाहता हूं जी बोलिए पनिशमेंट ये जी मैं का नारा हो जाए एक बार एक सेकंड इसको पनिशमेंट देना चाहते हैं नाम बताइए मेरे साथ इंतहाई बदतमीजाना बात करने के जुर्म में मैं जे साहब को एक बाथरूम साफ करने का ऑर्डर देता हूं ये देखो ये चीजें इसी तरह चली जाती हैं सुनी जाएगी आप जाइए जे साहब और प्रोपोर्शन साफ करिए अगले ऑर्डर तक कैप्टन के देख रहे हो टीम ठीक है जब तक जान सूरज रहेगा टीम में तेरा ऊपर आ भाई यार ये बात की मसाज गलत कर दिया भाई वाइपर किधर पड़ा हुआ कर बंदे को सपोर्ट किया वाइपर का ऊपर ही पड़ा होगा वॉशरूम में वॉशरूम साफ होगा पकड़ा स्पंज जरा कितनी बात मुझे जलील होता हुआ देख रहा है तो मैं जलील होता रहता हूँ यार ठीक है इट्स ओके ठीक है ब्रो ठीक है ठीक है दो यार वाइपर दो मैं इस वाले वॉशरूम में इधर आ जाओ लेफ्ट वाले ये क्या है अगर 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 तुम लोगों ने चलो ठीक है खैर है ठीक है शक्ल शक्ल पे शर्मिंदगी तो ऐसी हो इस वाले बाथरूम में आ जाओ साहब ठीक है बेटा बाकी सब तो बाहर आओ दो वाइपर की तरह बेंच वाइपर दो एमओपी की तरह अब साफ कैसे करना बताओ तो साफ अच्छा ये सब वहां से स्टार्ट करते हैं चले जी चले जाओ नीचे जाओ ना अभी हमें चलो चलो हम अपनी टीम की बात से कर बड़े सस्ते सस्ते लगाए हैं दो दर्जन ले ले जे साहब करेक्ट लोग का ये रक्त सुहाना लगता है थोड़ा मोह पीला कर लो ये लोग का ये जूस मीठा लगता है मैं कैसे बदलते हैं जो मिला तो जूस पीने को मांगता है ठीक है किंग साहब बहुत हो गया बस किंग साहब बस भाई पनिशमेंट दिया जाए इस बात पे टीवी का रिमोट ऑफ कर दो ठीक है आजो जी बाहर आ जाए ठीक है जैसा काफी आ जाए बस इतना सा यार जैसा आ जाए बाहर आ जाए जैसा बाहर आ जाए बाहर
के साहब फुरके में मशरूम साफ हुआ है यार, वाह मजा आ गया जे साहब। सदमे में चले गए। एक सेकंड मैं मूत कर लूं, दोबारा से साफ करवा लेना चीमा साहब। एक सेकंड मूत कर, इसको पकड़िएगा जरा इस सदमे में थोड़े से जरा जी। एक सेकंड मैं मूत कर लूं, इनसे दोबारा साफ करवा लीजिएगा। किंग 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 मेरी बात सुनो, किंग बात सुनो इधर आ भाई। मैं पकड़ लूं, आ रहा हूं बस मैं ये ठीक कर लूं। ये दोबारा साफ कर लीजिएगा प्लीज। मैं तो कहता हूं इनके ऊपर कर देना, खुद को साफ कर देंगे। अरे नहीं नहीं एक सेकंड, बदतमीजी नहीं करो। अच्छा ये साफ करें, मैंने मूत किया दोबारा से। चलो ध्यान से करो। चलो जे भाई किंग इधर आओ, इधर आओ, इधर साफ कर दे। गोदी में उठा लो उसको। ए जिम लगाओ थोड़ा सा, जिम करो। क्या सारा टाइम पीछे पड़े हो सारे। गोदी में उठा लो। हटो 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 गाइस। नहीं नहीं हटना हटना हटना, बहुत जोर से आ रही है, जोर से आ रही है गाइस। पीछे होना पीछे होना पीछे आना, जोर से आ रही है। किंग साहब बस कर दें, अब औकात से बाहर जा रहे हैं आप। किंग साहब ये बात, जिम करो थोड़ा, ये बात बहुत जोर से आ रही है। एक सेकंड बस 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 किंग साहब बस कर दें, बस कर दें। एक सेकंड प्लीज। अरे बस करे, बस करे, बस करे, ये की मुंह पे हो, बस करो जैसा बाहर है। बहुत बेइज्जती होगी जैसा मैं आपकी इज्जत करता हूं। देखें जैसा कोई बात, जैसा कोई बात नहीं। देखिए सफाई जो है ना वो सवाब का काम है, करना निफ्से मान है। तेरी इज्जत है नहीं कर। हाँ जी बोले बिग बॉस, आप मुझे सब लिविंग एरिया में एकत्रित हो जाएं। आ जाइए आ जाइए। यार गलत किया यार, होनी जैसा आप गलत किया इसने आपके साथ। अरे नहीं नहीं क्या हो गया है, ज्यादती क्या हो गया? चीमा चीमा हल्की फुल्की तो ज्यादती की है। देखो मेरे साथ जो बदतमीजी करेगा उसके साथ उसका यही नतीजा। नहीं वो बात तो आपकी ठीक है, लेकिन थोड़ा सा देखभाल के साथ बाथरूम ही साफ करवा दिए। अरे कोई बात नहीं बेटा, नेक्स्ट बाथरूम आपका भी हो सकता है जंजो साहब। नहीं मैं तो आपसे कुछ ऐसा करूंगा नहीं, लेकिन ऐसे बाथरूम साफ करवाना तो नहीं बन पाता वैसे। ये सब प्रोसेस गलत है जियो चीमा साहब। ये बचता रहेगा जब पड़ेगा रेड और लोंडे डिफॉल्टर भागेंगे। हम उल्लू हैं रातें भी जागेंगे। हम वायस हैं बेटा हम वायस हैं। तू रियल है तो हम भी नाइस हैं। तू रियल नहीं तो हम भी चौड़े हैं। जो नस्ली नहीं मेरे लोड़े पे थोड़े से बीफ से खबरी जो हो रहे थे आंखें खोल के ये सबरे पर सो रहे थे। बातें चोदने से बच्चे नहीं होते।